सब्सक्राइब कीजिए टैग्स ए यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल के आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट फराज और आप देख रहे हैं टैक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप दराज़ जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान की daraz.com या अगर दराज़ की ऐप के बारे में बात करें तो उस पर जो है आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, जैसे अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको जो है दराज़ तरफ से धोखा होता है या फ्रॉड होता है, तो उससे जो है आप लोगों ने किस तरह से बचना है। कोई भी चीज़ आप जो चीज़ ऑर्डर करते हैं वो चीज़ आप लोग को नहीं मिलती या वो चीज़ आप लोग ख़राब मिलती है, तो इस फ्रॉड से दराज के इस धोखे से आप लोगों ने किस तरह से बचना है आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो उससे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम इसकी वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने जब दराज की वेबसाइट से, दराज की ऐप, कहीं से भी आप लोग जो है चीज़ अपनी ऑर्डर करते हैं, दोनों का मेथड बिल्कुल सेम है। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए जो है दराज की वेबसाइट ही बोलूँगा। तो आप लोग ये दराज की वेबसाइट से जब कोई भी चीज़ अपनी ऑर्डर करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोई मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करते हैं, मोबाइल फ़ोन में कवर है या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई भी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, जब आप लोग ऑर्डर करते हैं तो आप लोग जो है उसमें ये नहीं देखते कि जो प्रोडक्ट हम ऑर्डर करने जा रहे हैं उसमें आउट ऑफ स्टॉक लिखा है कि नहीं लिखा, वो चीज़ अवेलेबल है उस सेलर के पास या नहीं। आप लोगों ने जस्ट एड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करके और आप लोगों ने जो है ऑर्डर प्लेस कर देना, उसके बाद आप लोगों के पास वो चीज़ मिलती है नहीं मिलती है, जैसे ख़राब मिलती है उस पर जो है फिर आप लोग कहते हैं कि हमारे साथ जो है फ्रॉड हुआ। तो उससे आप लोगों ने बचना कुछ इस तरह से है कि जैसे आप मिसाल तौर पे दराज की वेबसाइट से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, जैसे मोबाइल का अपने कोई पाउच मंगवाते हैं, कवर मंगवाते हैं, ठीक है, या आसानी के लिए हम कह लेते हैं तो अपने मोबाइल का जो है चार्जर मंगवाते हैं मोबाइल का, आप लोगों ने जब दराज पर आप लोगों ने जाकर सर्च करना जो भी आप लोगों का चार्जर जो आप लोगों ने मंगवाना, वो जब आप लोग देखते हैं कि हाँ ये चार्जर मुझे जो है दराज पे मिल रहा है, तो आप लोगों ने जो है ऑर्डर प्लेस करने से पहले जो है जिस सेलर से आप लोग दराज के सेलर से जो आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं जहाँ से, उस सेलर को आप लोगों ने पहले चैट पे जाके मैसेज लाजमी करना है। मैसेज करने से होगा ये कि आप लोग उससे एक तो ये पूछेंगे पहले नंबर पे कि ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल होगी तो कह देगा कि हाँ अवेलेबल है, अगर नहीं होगी तो वो मना कर देगा। पहली बात तो ये कि आप उससे ये पूछ सकते हैं कि अवेलेबल है या नहीं, और दूसरी बात अगर वो कहता है कि हाँ अवेलेबल है, आप जो है अवेलेबल होने के बाद पहले आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसके बाद जो है आप लोग उस सेलर को दोबारा मैसेज करेंगे कि मैंने ये चीज़ जो है स्क्रीनशॉट ले ले के आप उस सेलर को मैसेज करेंगे, सेंड करेंगे कि मैंने फ़लानी चीज़ जो है या चार्जर या जो भी चीज़ आपने ऑर्डर करी है ये चीज़ जो है मैंने ऑर्डर करी है, तो फिर आप लोगों को ये बताया कि हाँ ठीक है मुझे ऑर्डर मिल गया या ठीक है या ओके, जो भी उसका रिप्लाई आता है फिर आप लोगों ने जो है बिल्कुल आप लोगों के साथ बिल्कुल भी जो है फ्रॉड नहीं होगा। वरना होता ही कि आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, चीज़ अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल होती भी है तो सेलर जो है इतने सारे ऑर्डर होते हैं उनके पास लाजमी सी बात है वो एक एक का ऑर्डर देखेंगे तो नहीं किसके नाम पे है, कि अगर कोई गलती से उनके साथ कोई इधर का उधर एड्रेस लग जाता है, कोई इधर की उधर चीज़ हो जाती है, तो फिर उसमें जो है काफ़ी सारा मसला होता है आप लोगों को भी। तो आप लोगों ने दराज की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले वो चीज़ देखनी अवेलेबल है या नहीं, अवेलेबल है तो सेलर को आपने पहले मैसेज करना है कि ये चीज़ है आपके पास स्टॉक में या नहीं, और वो कहते हैं हाँ आप लोगों ने ऑर्डर करना है, ऑर्डर करने के बाद उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है और उस सेलर को लाजमी सेंड करना है कि ये चीज़ मैंने ऑर्डर कर दी है या मैंने करी है ये ऑर्डर, फिर वो आप लोगों को जो भी जवाब देता है ओके या ठीक है, तो इस तरह जो है आप लोग अपने दराज की चीज़ पे कोई भी दराज की वेबसाइट पे कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उससे जो है इंशाल्लाह ताला आप लोगों को धोखा नहीं। इसी तरह अगर आप लोग कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो आप लोग या तो उनका व्हाट्सअप नंबर अक्सर दिया होता है वेबसाइट पे, व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करें या उनके मोबाइल नंबर पे कॉल करके जो है वो चीज़ ऑर्डर करें, या ऑर्डर करने के बाद जो है उनसे कहीं कंफर्म कर लें कि मैंने ये चीज़ ऑर्डर करी है, उनको मतलब बता दें उनके जहन में ताकि ये बात है कि इस एड्रेस पर जो मुझे ये चीज़ भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपने बस सिर्फ ऑर्डर देकर जो है सेट कर देना, बाकी दो दिन तीन दिन बाद जब भी जो चीज़ आएगी फिर आपने जो उसको बोल देना कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो इस तरह से आप लोग अपने फ्रॉड से बच सकते हैं और आप लोग जो है अपने डिजायर्ड चीज़ हासिल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथ जरूर शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।